सर मेरा नाम बीडी सिंह है, थोड़ा से पास में आ जाइए। सर मैं ग्रोफास्ट ऑर्गेनिक डायमंड प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम श्याम सिंह बघेल है। श्याम सिंह बघेल जी हैं सर। ये कौन सा जिला है आपका? ये जिला सिवनी है सर। जिला सिवनी, और ये कौन से तहसील के अंतर्गत आता है सर? तहसील केवलारी, ग्राम पंचायत पिपरिया कला। अच्छा, तहसील आपके ये केवलारी है। बहुत बढ़िया सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ सर, ये आपने जो है ये कितने साल पहले नींबू लगाए थे? अभी कितने साल हो गया? ये साल 2018 में लगा था। 2018 मतलब वो 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए। 4 साल हो गया जी। तो ये 4 साल का आपका नींबू हो गया, और कोडिंग जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सारे पौधों में जी आपका सर, ये पूरा कितना एकड़ में पूरा बगीचा है आपका? ये नींबू का सर पूरे 10 एकड़ में। 10 एकड़ में पूरा, 10 एकड़ में पूरा ये बगीचा लगा है, और इसमें आपका समथिंग सभी पौधे में मैं देख रहा हूँ कि प्रूडिंग चालू हो गई है। और समथिंग के सर कितने साल इसमें आप प्रूडिंग आप ले रहे हैं? करीब करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, मतलब अभी आपके 4 साल का बगीचा हुआ, इसमें 2 साल से जो है प्रूडिंग चालू है, और 2 साल से आपको उत्पादन बहुत बढ़िया दे रहा है। बराबर ना सर? जैसा कि हम अभी देख रहे हैं ये कि करीब एक पौधे में करीब समथिंग मेरे को लग रहा है कि कम से कम सर 60 से 70 किलो होगा क्या? कहीं 50 किलो, कहीं 50 किलो से कम तो किसी में नहीं होगा, किसी में 60-70 किलो होगा, किसी में 40 किलो भी होगा। ऐसे समथिंग एवरेज अगर देखा जाए तो 50 किलो से कम जो है किसी में भी नहीं है। सभी पौधों में 50 समथिंग जो है 50 किलो जो है ब्रूडिंग किया हुआ है। सर पूरा ये पूरा 10 एकड़ में आपका कितने प्लांट लगे होंगे आपके? ये पूरा सर मोटे मोटे देखे जाए अपने तो 2500 से 3000 पौधे होंगे। 2500 से 3000, 3000 पौधे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सर बहुत बढ़िया कंडीशन में आपका बगीचा है जी। सर तो अभी मतलब बेचना आप शुरू कर दिए हैं दो साल से, और एक अच्छी खासी आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपको जो है प्राप्त हो रही है। तो सर अभी समथिंग जो है कितने लाख रुपये का अर्निंग कर लेते हैं आप साल में भी? सर अभी तो ऐसा लॉकडाउन में ये बिक नहीं रहा था, लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारी जी। लेकिन अभी ऐसा है कि 25-30 रुपए किलो मार्केट में जा रहा है। 30 रुपए किलो तो मार्केट में भी जा रहा है। और मान लीजिए अगर आपके अगर 3000 पौधे लगे हैं और एक पौधा अगर 50 किलो दे रहा है, यानी 1500 आपको लग रहा है कि एक पौधा आपको देगा। बराबर है ना सर? मतलब एक पौधा से जो है 1500 की अर्निंग होगी, और आपके अगर 3000 पौधे आपके पूरा डेफिनेट अच्छे तैयार हैं तो समथिंग जो है 15 से 20 लाख रुपए जो है आराम से इनकम मिलेगी। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बगीचा आपको देख के हमको बहुत खुशी हुई जो है। और सर आपके एरिया में सिवनी जिला में जो आपका एक केवलारी तहसील है, तो यहाँ के अन्य किसानों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो बोलना चाहूँगा सर कि हर किसान को कि ये करना चाहिए। जी जी जी, है ना, आधुनिक खेती में मतलब ये नींबू की खेती है जी। बिल्कुल, जैसे ट्रेडिशनल धान मक्का सोयाबीन की खेती में करके किसान विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही सही बोल रहे हैं सर। इसलिए आपने को ये है कि ये मल्टीक्रॉप खेती करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपसे मिलके हमको बहुत खुशी हुई है। और हम जो है सर नेक्स्ट टाइम जो है आपके माध्यम से जो है अन्य किसानों को बताना चाहेंगे, जैसा आपका कहना है कि जो है ट्रेडिशनल खेती में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ जो है अपने कुछ जमीन में 1 एकड़ में 2 एकड़ में 3 एकड़ में किसान जितने में करना जितना में चाहे उतना में खेती करके बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकता है। बहुत बढ़िया सर, आपने किसानों को बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।